भाई अगर आपको पैसों की यहाँ पे इमरजेंसी पड़ चुकी है, ऐसे वक्त में आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल पा रहा, आपको 4 से लेकर 5 हजार रुपए की काफी लोन की इमरजेंसी है, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1000 से लेकर 20 हजार रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो आपको लोन को कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्रूवल करवाना है, कैसे आपको बैंक खाते में लेना है, तो उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना है। तो स्टेप स्टेप में आपको इस एप्लीकेशन का लोन अप्लाई करूंगा। इस लोन को अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, तो किसी प्रकार की ना तो बैंक स्टेटमेंट देनी ना तो आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप देनी है और इंस्टेंट आपका लोन वहां से अप्रूवल हो जाएगा। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। से पहले आप यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं अप्रूवल क्रेडिट लिमिट, तो भाई पूरे 8000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। अब जो मुझे 8000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है, इसको मैं इंस्टेंट अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकता हूँ। तो भाई काफी कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत ही कम ब्याज के ऊपर आपको इस एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब देखो काफी लोग क्या करते हैं, लोन तो अप्लाई करते हैं, जिनको लोन अप्लाई करने का प्रोसीजर नहीं मालूम होता और आगे चल के उनका लोन भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। अब देखो अगर मैं 8000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ ना, यहाँ पे देख सकते हैं 8000 रुपए का लोन है, 2% प्लस जीएसटी मुझे यहाँ पे लगने वाली है और उसके बाद इंटरेस्ट रेट मुझे लगेगा पर मंथ के हिसाब से 2.5% का। नीचे आएंगे ईएमआई मेरे बन के आएगी 1500 रुपए, उसके बाद नीचे आएंगे 6 महीने का मुझे यहाँ पे समय मिल जाएगा। लेट चार्ज, अगर आप इसकी फीस को लेट चार्ज करते हैं तो 10% आपको आउटस्टैंडिंग ईएमआई की जीएसटी यहाँ पे देनी पड़ेगी और यहाँ पे ड्यू डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो आप इसको 1 महीने के लिए भी यूज कर सकते हो और आप इसको ईएमआई के ऊपर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंपल तरीका है इसको यूज करने का, कैसे आपको इसको बैंक खाते में लेना है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपके सामने लोन को अप्लाई करूंगा, अगर आप मेरे हिसाब से लोन को अप्लाई करेंगे तो 100% आपका लोन यहां से अप्रूवल हो जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं लिखा है प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी 18% की जीएसटी, 188 रुपए यहां पे देख सकते हैं। 8000 रुपए का मेरे यहां पे लोन है, आपके जो बैंक खाते में आएंगे 7811 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। लोन की जो रिपेमेंट करनी है आपको 9388 रुपए की रिपेमेंट आपको करनी है। ईएमआई की डेट आपकी रहेगी 8, तो यहां पे 8 तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से आपकी ईएमआई यहां पे कट हो जाएगी। एवरेज आपको लगेगी 58% के हिसाब से। ईएमआई का शेड्यूल भी आपके यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आप इसको ईएमआई के ऊपर भी ले सकते हैं और साथ में आपको 1 महीने के लिए भी मिल जाएगा, जहां पे आपको बहुत ही कम ब्याज के ऊपर यहाँ पे लोन मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर से जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको आपको वेरीफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। अब वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। देखो जैसे आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, नीचे आना है, ये आपको जो कैप्चा मिल रहा है इस कैप्चा को आपको फिल करके इस कैप्चा इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आपको फिल करना है उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे आ जाना है। जब यहाँ पे अगले वाले पेज पे आएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, अपने कैमरे को ओपन कर लेना है। जैसे अपने कैमरे को ओपन करेंगे आपको फ्रंट कैमरे से अपनी एक सेल्फी यहाँ पे ले लेनी है। जो भी आपको सेल्फी लेनी है एकदम क्लियर सेल्फी आपको लेनी है। जैसे अपनी सेल्फी को ले लेंगे उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना है। अगले वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है जो भी आपको अपनी सेल्फी लेनी है एकदम ब्राइट सेल्फी आपकी लेनी है। काफी लोग क्या करते हैं चश्मा डाल के सेल्फी ले लेते हैं, हैट डाल के सेल्फी ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ना तो यहाँ पे हैट डाल के सेल्फी लेनी, ना आपको गूगल डाल के सेल्फी लेनी है, आपको लाइटिंग में अपने यहाँ पे सेल्फी ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपनी एक सेल्फी को क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे लिखा है प्लीज वेट, तो यहाँ पे आपका क्यूआर कोड को ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना है। जब यहाँ पे अगले वाले पेज पे आएंगे ना, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे मिलेगा आपको सैलरी जॉब, अगर आपकी सैलरी जॉब है तो उस पर क्लिक करना है, बिजनेस जॉब है तो उस पर क्लिक करना है, पार्ट टाइम जॉब है, स्टूडेंट है, लुकिंग द जॉब है, शॉपकीपर है, ऑथर है, तो जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस पे क्लिक कर दिया। अगर आप भी बिजनेस पे क्लिक करते हैं, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट थोड़ा सा एक्टिव है तो भाई लोन आपको यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। नीचे आना है, यहाँ पे लिखे आंसर द टाइप ऑफ द यूजर, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द योर मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम यहाँ पे कितनी है। देखो यहाँ पे मेरी मंथली इनकम 10 से 15 हजार ही है, तो भी मैं यहाँ पे 35 से लेकर 40 हजार रुपए की इनकम यहाँ पे डालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 50 हजार रुपए की इनकम को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कम 30 से लेकर 35 हजार रुपए की इनकम को आपको वेरीफाई कर लेना है। नीचे आना है, आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया, आपकी अगर हिंदी है इंग्लिश है जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अगले वाले पेज पे आएंगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा गेट इन द स्टार्टिंग, तो यहाँ पे आपको तो फोन नंबर से आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। फोन नंबर से जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपको नेक्स्ट वाले उसमें क्लिक करना है और आपको नीचे वाले पेज पे यहाँ पे आ जाना है। जैसे अगले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मिले क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पे लिखा है पैन नंबर, आपको अपना जो पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रेडिट लिमिट नीड, देखो आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट कितने की चाहिए, आपको 5000 रुपए की चाहिए, 10000 रुपए की चाहिए, 15000 रुपए की चाहिए,
20,000 रुपये के चाहिए, तो जितने भी आपके यहाँ पे लिमिट चाहिए उस लिमिट को आपको सिलेक्ट करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। देखो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डाल देना है, नीचे आके आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे, अगर आप थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर पे आपको क्लिक कर लेना है, अपने हिसाब से आपको जो भी है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है विद द प्रोमो कोड, अगर आपके पास कोई भी प्रोमो कोड नहीं है तो आप इसको छोड़ दो, अगर आपके पास कोई भी प्रोमो कोड है तो आपको प्रोमो कोड को लगाएंगे तो आपकी जो फीस है काफी यहाँ पे वेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। देखो लास्ट स्टेप है आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट का, नीचे आएंगे आपको दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, नीचे आगे आपको FSC कोड यहाँ पे डाल देना है, तीनों इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, नीचे आगे आपको नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे वेरीफाई की जाएगी। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको वेरीफाई होने में, तो जैसे इसको वेरीफाई होंगे उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे एक लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद उस लोन को आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फाइनल यहाँ पे लिमिट निकल के आ चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अप्रूवल क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पे 8,000 रुपए की मेरी यहाँ पे लिमिट निकल के आ चुकी है। 2% के मुझे PF यहाँ पे GST यहाँ पे देनी पड़ेगी। नीचे आएंगे टेनवर मुझे पूरे 6 महीने का मिल जाएगा। EMI मेरी बन जाएगी 1,533 रुपए, इंटरेस्ट आपको 2.5% का यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपनी UPI ID को यहाँ पे ऐड कर लेना है। देखो अपनी UPI ID को आपको ऐड कर लेना है, जो भी आपकी ID है, बैंक अकाउंट नेम आपका जो भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखो जितना भी यहाँ पे बैलेंस है उतना आपके बैंक खाते में आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो 8,000 रुपए का हमारा यहाँ पे अमाउंट है, फीस हमारी लगेगी 18% का GST 188 रुपए, यहाँ पे नेट मंथली आपके बैंक खाते में आएंगे 7,811 रुपए। टोटल यहाँ पे लोन के रिपेमेंट आपको करनी है 9,388 रुपए। आप डेट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आप यहाँ पे नीचे से EMI आपको व्यू करके अपने EMI का शेड्यूल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो आपकी EMI भी मैंने आपको बता दी कितनी आपकी बनेगी, कैसे आपको लोन अप्लाई करना है और कैसे आपको अप्रूवल लेना है। 1,533 रुपए की आपकी EMI बन जाएगी और 6 महीने का आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा। तो भाई ये एप्लीकेशन भी काफी कमाल की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन था वो लाइव प्रूफ मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया कि कैसे आपको लोन अप्लाई करना है और कैसे आपको अप्रूवल यहाँ पे लेना है। अगर आपको इस एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल को जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका अगर आपका लोन अप्रूवल नहीं भी होता तो यहाँ पे मैं आपका जो लोन है वो भी यहाँ पे अप्रूवल करवाने में आपकी यहाँ पे मदद कर सकता हूँ। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका भी लोन बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है तो भाई जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे मैं भी आपका नेक्स्ट टाइम आपका जो लोन है वो भी यहाँ पे अप्रूवल करवाने में काफ़ी आपकी यहाँ पे हेल्प कर पाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो लाइव प्रूफ आपको अप्लाई करके दिखाया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जल्दी से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।